हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का इंग्लिश की इस क्लास में। आज यहाँ पर हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 में आए हुए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो क्लास है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा ज़रूर लगाएं। और इसमें आई हुई जितनी भी वोकैब है, जितने भी वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊँगा, वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो अपनी कॉपी पर इसको नोट भी करते रहें। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है आपका, ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टूगेदर, यानी कि लोगों का ऐसा समूह जो एक साथ या एक झुंड में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग केच, कारवां, कार्गो, बैटरी। तो इसको बोलते हैं हम लोग कारवां, ठीक है, आपने कारवां सुना भी होगा। तो इसका मतलब हो गया कि लोगों का ऐसा झुंड टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स, जो अपने व्हीकल्स के साथ, अपने एनिमल्स के साथ एक साथ जो है ट्रेवलिंग करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं कारवां, ठीक, उस झुंड को, जो झुंड होता है जो एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाता है, उसको कारवां कहा जाता है। बाकी ये कैश, कैश आपने सुना ही होगा, कैश मेमोरी होती है। और कार्गो, कार्गो मतलब कोई सामान जो है इम्पोर्ट करना। और बैटरी, इस बैटरी का जो मतलब होता है वो होता है तोपखाना, ठीक है, बैटरी का मतलब होता है तोपखाना या फिर गोलाबारी, मारपीट, ऐसा जो है इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इन सभी के मीनिंग अपनी कॉपी पर भी लिखते रहें। और मैंने आपको सीजीएल 2020 के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन क्लासेस को आप पूरा लगाएं, आपको बहुत ही बेनिफिट उसमें से मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है हम पहले भी उसमें कर चुके हैं। और एडियम फेस का जो है सीजीएल 2020 का हमने पहले वीडियो उसका दे दिया है, आपने उसको भी नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, ऐसा पर्सन जो किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको देखेंगे यहाँ पर, थीस्ट, आर्बिट्रेटर, ऑडिटर और अनार्किस्ट, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता कराने वाला। और अथीस्ट आपको पता ही होगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑडिटर, ऑडिटर आपको पता होना चाहिए। और अनार्किस्ट, ठीक है, अनार्किस्ट भी एग्जाम में बहुत बार आया है, इसका मतलब होता है अनार्की, ठीक, अराजकता, अनार्की मतलब होता है अराजकता, उसी से बना है अनार्किस्ट, यानी कि अराजकतावादी, ठीक है, जो अराजकता फैलाता है उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, तो ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोगों को रटा भी होगा, इसको बोलते हैं एथीस्ट, क्या बोलते हैं? एथीस्ट बोलते हैं। बाकी इगोइस्ट, इगोइस्ट आपको पता होना चाहिए, इगोइस्ट का मतलब होता है जो अहमवादी हो, ठीक है, जो अपने आप में घमंड करता है या जो केवल अपने बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। और अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का भी हमने आपको बताया, अराजकतावादी होता है। और सिनिक जो होता है, सिनिक का मतलब होता है निंदक, ठीक है, निंदक या फिर मानवदोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, यानी कि फूलों का समूह जो गिफ्ट के लिए दिया जाता है, प्रेजेंट के तौर पर दिया जाता है, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो बास्केट, ब्रैकेट, बकेट, बुटीक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बकेट, ठीक है, आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 इसमें इस करे से जो है करेक्ट हो जाएगा, बकेट। बाकी बास्केट आपको पता होगा, इसका मतलब होता है टोकरी। ब्रैकेट आपको पता है, ये वाले ब्रैकेट जो होते हैं ब्रैकेट बोलते हैं। और बुटीक क्या होता है? एक कपड़ों की जो छोटी दुकान होती है उसको हम लोग बुटीक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डायनेमिक कंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, तो मतलब कि एक जो है कंपेन चलाना जिससे कि पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस चेंज के लिए, ठीक है, यानी कि बहुत बड़े बदलाव के लिए एक कंपेन चलाना, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है छोटा मोटा विवाद, लड़ाई झगड़ा। वार का मतलब होता है युद्ध। क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। और यहीं पर जो है आपका यही वाला जो है करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा। और म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब होता है सैनिक विद्रोह, ठीक है, जब सैनिक विद्रोह करते हैं तो उसको हम लोग म्यूटनी कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, पहले भी एग्जाम में आ चुका है तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें है एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। यहाँ पर नहीं, इस जो पूर्ण विराम लगे हैं इनको नहीं पढ़ना है, ये तो ठीक है। तो एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी और सफरिंग, मतलब एक ऐसी दुनिया या फिर एक ऐसी आदर्श सोसाइटी जो कि गरीबी से फ्री हो, जहाँ पर ना कोई बीमार हो ना कोई गरीब हो, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं, देखिए हीवन का मतलब होता है स्वर्ग, पैराडाइज का मतलब भी होता है क्या? स्वर्ग। यूटोपिया, यूटोपिया आपका जो है इसमें से करेक्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं। और ड्रीम लैंड, जो ड्रीम होता है, ड्रीम हम अपने ड्रीम में जो हमारा सपना होता है उसको बोलते हैं ड्रीम लैंड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसको बोलेंगे यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श स्थिति। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट है, तो यानी कि ऐसी सोसाइटी, आदर्श सोसाइटी जहाँ पर ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, तो उसको बोलते हैं यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। तो मतलब कि ड्राइवर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको ये बताना है। या फिर ऐसा पर्सन जिसको कार आदि चलाने के लिए हायर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चौफियर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, इसका मतलब होता है ड्राइवर। और पायलट आपको पता ही होगा, जो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं शायद उनको बोलते हैं पायलट, या फिर जो ट्रेन चलाते हैं शायद उनको भी पायलट ही कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये भी एक तरीके के ड्राइवर हैं कुल मिला करके। और स्कॉट जो होता है, स्कॉट का मतलब होता है पहरेदार या फिर रक्षक। स्कॉट का मतलब होता है पहरेदार या फिर रक्षक, और कैप्टन आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, अच्छा लिखने या बोलने की जो कला होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, हिंदी में हो गया कि अच्छा लिखने और बोलने की कला को क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो पोइट्री। पोइट्री तो आपको पता है इसका मतलब होता है कविता। बम्बेस्टिक, यही आपका इसमें से करेक्ट हो जाएगा, बम्बेस्टिक। ठीक है, अच्छा लिखने या बोलने की कला को, नहीं सॉरी, यहाँ पर बम्बेस्टिक का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बताना, और आर्काइक है एक, और रिटोरिक। ठीक है, तो रिटोरिक यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिटोरिक जो होता है, रिटोरिक का मतलब होता है अच्छा लिखने या बोलने की जो कला होती है उसको रिटोरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर एन एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिटरमाइन द केस ऑफ डेथ। तो डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना मृत्यु के कारण को जानने के लिए, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो एनालिसिस, एनालिसिस नहीं होता है, सुसाइड, सुसाइड भी नहीं होगा, पोस्टमार्टम उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम, जिसमें कि मृत्यु या डेथ के कारण की जांच की जाती है। और होमोसाइड क्या होता है? होमिसाइड मतलब होती है मानव की हत्या, इसको बोलते हैं होमिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। ऐसा आपने देखा होगा रेडियो वगैरह पर, टेली या फिर टीवी में, न्यूज़ वगैरह में, कि जो बैठा होता है वहाँ पर, जो आपको न्यूज़ सुना रहा था, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंकर। उसको क्या बोलते हैं? एंकर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर दो आपका करेक्ट होगा। बाकी कोरियोग्राफर क्या होता है? एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कोरियोग्राफर का मतलब होता है नृत्य निर्देशन करने वाला। ठीक है, यानी कि ये नृत्य से संबंधित है, और एक्टर कॉमेडियन आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉरपोरेशन मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड। तो कॉरपोरेशन मतलब ग्रुप हो गया। ठीक है, ग्रुप या समूह, मेड ऑफ जो बना हुआ है, ए नंबर ऑफ डिफिकल्ट डिफरेंट कंपनीज, जो अलग अलग कंपनियों से मिल करके एक समूह बना हुआ है, जो कि डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, जो कि अलग अलग फील्ड में काम करता है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? ठीक है, तो देखते हैं, कोरिलेशन, कोरिलेशन आपको पता होगा मतलब रिलेशन, रिलेशन का, और अच्छा मतलब उसको क्या बोलेंगे, कोरिलेशन मतलब पारस्परिक संबंध। ठीक है, पारस्परिक संबंध। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए, समझौता होता है। और कांग्लोमरेट, एसोसिएशन, एसोसिएशन भी नहीं होगा, कांग्लोमरेट आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांग्लोमरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्लोमरेट का यहां पर मतलब होता है समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, ठीक है, लंच के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो लिस्योर, ठीक है, स्लम्बर और डोज सी स्टार्टिक। डोज आपको पता ही होगा, जो डोज दी जाती है दवा की उसको यहाँ पर, ठीक है, और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीस्टा। सीस्टा मतलब होता है दोपहर का आराम, सीस्टा मतलब होता है दोपहर का आराम, ठीक है। और स्लम्बर का मतलब होता है निष्क्रिय होना, स्लम्बर मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, यानी कि एक तरीके से सोना, नींद आना, सोना, ठीक है। और सीस्टा मतलब होता है दोपहर का आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्योर जो होता है, लिस्योर का मतलब होता है फ्री टाइम, ठीक है, फ्री टाइम, स्वतंत्र। नेक्स्ट है एन इनकांग्रुअस और चाओटिक मिक्सचर, ठीक है, यानी कि जो उलझन तरीके से मतलब मिक्सचर बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो। तो मेलोडी, मेलोडी का मतलब तो अच्छा होता है, ठीक है, हारमोनी, मेलोडी और हारमोनी एक तरीके से सिनोनिम हो जाएंगे। और कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब कोलाहल या फिर कोई चीज़, कोई ऐसा साउंड जो हमको अच्छा ना लगे उसको बोलते हैं कैकोफोनी, ठीक है। तो यही आपका इसमें से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैकोफोनी में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के साउंड आते हैं जो मिल करके एक जो है बिल्कुल कर्कश आवाज़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं कैकोफोनी। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इनकांग्रुअस और चाओटिक मिक्सचर, ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। और डिस्कार्ड आपको पता होगा, इसको बोलते हैं विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, यंग बर्ड्स की जो फैमिली होती है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे यहाँ पर हम लोग ब्रूड, ब्रूड होता है, ठीक है। और ब्रूड पहले भी एग्जाम में आ चुका है, पहले किस तरीके से आया था, इसको जो है पहले पूछा गया था ए ग्रुप ऑफ, या नहीं, फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, ठीक है, इसको पहले भी पूछा गया था, पहले पूछा गया था कि फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी ब्रूड कहते हैं। और अब की बार जब पूछा गया है फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, तो उसको भी ध्यान रखना, ब्रूड बोलते हैं। ब्रूड का मतलब होता है संतान, ठीक है, संतान या फिर फैमिली कह सकते हो, वंशावली, ठीक है, ब्रूड मतलब वंशावली। और ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है संतान, किड्स मतलब होता है बच्चे, और लिटर, लिटर मतलब होता है कूड़ा कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटर मतलब कूड़ा कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इंटरटेन्स पीपुल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स, ठीक है, ऐसा पर्सन जो करतब दिखाता है लोगों को हंसाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, जो लोगों को इंटरटेन करने के लिए अलग अलग तरीके से डिफिकल्ट टास्क करता रहता है उसको बोलते हैं। पहला है परफॉर्मर, कॉमेडियन, एक्रोबट, कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट होगा आंसर नंबर दो हो जाएगा एक्रोबट। एक्रोबट का मतलब होता है करतब दिखाने वाला, और कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट जो है दोनों बिल्कुल सेम है, इनकी मीनिंग सेम होती है, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीक्रेट और डिस्टिंगाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, मतलब सीक्रेट वे में लिखना या सिंबल, सिंबल से किसी चीज़ को लिखना ताकि कोई दूसरा ना पढ़ जाए, जिसके लिए लिखा गया है केवल वही पढ़ जाए, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सिंबल, साइफर, पजल, एम्बलम, तो इसको बोलते हैं साइफर, ठीक है, इस लैंग्वेज को बोला जाता है साइफर, जो गुप्त लैंग्वेज होती है उसको बोलेंगे साइफर, ठीक है। सिंबल आपको पता ही है, पजल भी पता ही होगा, और एम्बलम जो होता है, एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, एम्बलम मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, तो इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, जो किसी की मृत्यु से संबंधित, या फिर उसको कह सकते हो कि जो डेथ से संबंधित है उसको क्या बोलेंगे, तो सबसे पहला वर्ड है डेडली, ये आपका जो है रेड हेरिंग है, कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, डेडली का मतलब होता है घातक। और मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी जो होता है, यही आपका इसमें से करेक्ट हो जाएगा, मोर्टेलिटी मतलब होता है मरणशील, ठीक है, आपने सुना होगा वर्ड मैन इज मोरल, ठीक है, तो उसी से बना है, मोरल जो लिखा होता है वो यही है, उसी से बना है मोर्टेलिटी। और मोर्बिडिटी जो होता है, ये होती है, इसका मतलब होता है रोगों की संख्या, ठीक है, इमोर्टेलिटी ये इसी का दूसरे वाले ऑप्शन का अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर आपका दो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए म्यूजिकल कंपोजिशन, ए म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, ठीक है, तो मतलब सॉन्ग से या शॉर्ट सॉन्ग से मिलकर के एक जो है कंपोजिशन बनाना उसको क्या बोला जाता है, ठीक है,
मतलब कई सारे सॉन्ग को मिला करके एक जो है कंपोजिशन बना देना, एक अलग सॉन्ग बना देना जो बड़ा हो। जैसे डीजे वाले जो सॉन्ग आते हैं, ठीक है, डीजे वाले में उनको रिमिक्स किया जाता है, अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं यहाँ पर मेडली। उसको क्या बोलते हैं? मेडली। तो आप लोग इसमें ध्यान रखें। बाकी लिरिक, ऑर्केस्ट्रा, बैंड, ये सब आपको पता ही होगा। लिरिक क्या होता है? लिरिक जो होता है, जो गाने के बोल होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग लिरिक। जैसे यूट्यूब है मान लीजिए, तो जैसे टी सीरीज वाला चैनल है यूट्यूब पर, तो उस पर कोई वीडियो जब पहली बार आता है, कोई सॉन्ग जो है रिलीज होता है, तो ऐसे ही मतलब जो मूवी वगैरह में होता है वही वाला सॉन्ग ओरिजिनल होता है, ठीक है। और जब दोबारा वही सॉन्ग होता है तो उसमें लिखा होता है लिरिकल सॉन्ग, ठीक है, लिरिकल सॉन्ग। तो मतलब वहाँ पर लिरिकल सॉन्ग का मतलब वो लोग जो चीज़ बोलते रहेंगे वो आपके स्क्रीन पर लिखता रहेगा, तो जो लिखा होता है उसी को बोलते हैं लिरिक, ठीक है, यानी कि जो गाने के बोल हैं जिनको हम लोग लिखें उसी को बोलते हैं लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु सर सुपरवाइज एंड एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्जामिनेशन हॉल की देख रेख करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलेंगे इनविजिलेटर, ठीक है, इनविजिलेटर। और इंस्पेक्टर, वेरीफायर, मैनेजर, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन प्रियकुपाइड विथ एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, ठीक है, ए पर्सन प्रीऑक्यूपाइड विथ एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, ऐसा पर्सन जो अनरियल, यहाँ पर देखिए लिखा है अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, जो अपनी लाइफ को अनरियल तरीके से आशावादी होता है, मतलब इमेजिन करता है अपनी लाइफ के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब होता है प्रायोगिक, और प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक, क्विक्सोटिक इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्विक्सोटिक, जो इमेजिन करता है, ऑप्टिमिस्ट रखता है अपने लाइफ के बारे में, इमेजिनरी लाइफ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रेशनल जो लिखा है, रेशनल का मतलब होता है तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वंस स्लीप, सोते समय जो बोलना बोला बोलते हैं लोग उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी सोते समय बोलना उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे? तो प्रोलोग, प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना। मोनोलोग, मोनोलोग मतलब एक तरीके से अकेले बात करना। सोलीलोग की भी वही होता है, खुद से बात करना, नहीं, ये सोमनोलोग की है, यही आपका करेक्ट होगा आंसर नंबर 3। और सोलीलोग की जो लिखा है इसका मतलब होता है खुद से बात करना, ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 3 सोमनीलोग की आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक रूट वर्ड है लोकू, ठीक है, लोकू, इसको ध्यान रखें, लोकू को ये अगर किसी भी वर्ड में लग जाएगा तो इसका मतलब होता है बोलना, बात करना, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में शायद लगा हुआ है, सभी में नहीं लगा, इन तीनों में लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, ये दो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन, और हु इम्फेसाइजेस द बैड पार्ट ऑफ ए सिचुएशन, ठीक है, ऐसा पर्सन, इसमें जो इसका स्टेटमेंट है इसका हिंदी मतलब है कि ऐसा पर्सन जो हमेशा बैड चीज़ों के मतलब बुरे चीज़ों की तरफ सोचता रहता है, बुरी चीज़ों को सोचता रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं सोचता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहला है कंप्लेनर, कंप्लेनर होता है कंप्लेन करने वाला। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। मिजैनथ्रोपिस्ट, मिजैनथ्रोपिस्ट का मतलब होता है हेट करने वाला, ठीक है, तो पेसिमिस्ट आपका इसमें से करेक्ट हो जाएगा, निराशावादी, ठीक है, ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में निगेटिव सोच रखता है उसी को बोलते हैं पेसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थ्रो एन इवेंट इंटू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, तो कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर की स्थिति को पैदा करना उसको क्या बोलते हैं? तो डिटोनेट, इरप्ट, डिसरप्ट, एक्सप्लोड, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसरप्ट, उसको क्या बोलते हैं? डिसरप्ट करना, ठीक है। और बाकी डिटोनेट, इरप्ट और एक्सप्लोड, इन सभी का मतलब होता है विस्फोट। डिटोनेट, इरप्ट
और एक्सप्लोड इनका मतलब होता है विस्फोट, और डिसरप्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन पैदा करना, डिसऑर्डर करना, अस्त व्यस्त कर देना चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाई चांस। कोई अच्छी चीज़ जो अचानक हो जाए, ठीक है, आपके साथ कोई ऐसी घटना, मतलब आपके लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो उसको क्या बोलते हैं, या फिर आपके लिए कोई बहुत बेनिफिट वाली कोई अचानक घटना हो जाए उसको क्या बोलते हैं, अभी भी नहीं बना, ठीक है, मतलब कोई ऐसी घटना जो अचानक घट जाए और उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिले उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, सेंटेंस बनाने में टाइम लग जाता है। तो डेलीबरेट मतलब होता है, डेलीबरेट मतलब जानबूझ करके, फॉर्टुइटस, यही आपका जो है इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है आकस्मिक लाभ, और पर्पसफुल ऑक्सीडेंटल आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ए पर्सन आर्ट, यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीडेंटल लिखा हुआ, ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी, पश्चिम के या पश्चिम दिशा की ओर जो रहने वाले लोग होते हैं, पश्चिम निवासी जो होते हैं उनको बोलते हैं ओसीडेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रीसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी कि ऐसा आर्टिकल न्यूज़ में जो छपा हो जो किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की डेथ की सूचना देता हो उसको क्या बोलते हैं, तो रिव्यू, एडिटोरियल, मॉर्चरी और ओबिचोरी, ठीक है। तो रिव्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिव्यू करना, और एडिटोरियल, एडिटोरियल आपको पता होगा क्या बोलते हैं वो, संपादकीय, ठीक है, और मॉर्चरी और दूसरा है ओबिचोरी, ठीक है। तो मॉर्चरी का मतलब होता है शवगृह, ओबिचोरी का मतलब होता है, मॉर्चरी का मतलब होता है शवगृह, जहाँ पर शवों को रखा जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओबिचोरी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है शोक संदेश, इसका मतलब क्या होता है, शोक संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट स्टोन, ठीक है, तो किसी फ्रूट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीन, बीन मतलब होता है अनाज, ठीक है, छोटे वाले जो अनाज होते हैं जो जिसके दो पार्ट हो सकते हैं, जैसे सोयाबीन आता है, ठीक है, उसको बीन बोल देंगे। नेक्स्ट है पल्प, आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसको हम लोग पल्प बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पल्प, ठीक है। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट स्टोन, मतलब कि जो किसी फ्रूट के अंदर वाला जो उसमें बोलते हैं क्या, जो गूदा होता है, ठीक, उसमें जो अंदर गूदा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो गूदा मतलब पल्प, मतलब होता है गूदा, ठीक है, तो पल्प आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैरामेल, कर्नल, ये सब फूड से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइप के फूड होते हैं। नेक्स्ट है ए सेंटीमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, ठीक है, तो मतलब लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, ऐसा सेंटीमेंटल जो पास्ट में, सेंटीमेंटल मतलब होता है शोक, ठीक है, सेंटीमेंटल का मतलब होता है भावुक होना, तो पास्ट में थोड़े समय के लिए जो आपके पास भावुकता का क्षण था उसको क्या बोलते हैं, तो मेमोरी, इमोशन, क्रेविंग और नॉस्टैल्जिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉस्टैल्जिया, ठीक है। क्रेविंग क्या है, क्रेव से बना हुआ है, इसकी मतलब होता है तीव्र इच्छा, और इमोशन जो है, इमोशन आपको पता है, इमोशन, इमोशन आप में भी होगा, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी के बिना आजकल कुछ होता नहीं है, ठीक है। एलार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, इसको तो बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको क्या बोलते हैं, अवेरी बोला जाता है, ठीक है। एक होता है अपेरी, अपेरी, इसको भी ध्यान रखें, ठीक, अपेरी आगे ए आर वाई है, तो अपेरी क्या होता है, जो बी, बी से संबंधित होता है, मधुमक्खियों से संबंधित होता है उसको अपेरी बोलेंगे, और जो पक्षियों से संबंधित है उसको अवेरी बोलेंगे। और एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब होता है जल जीवशाला, अरीना आपको पता ही हो, अरीना हमने सीएचएसएल में भी आपका आया था 2020 वाले में, सीजीएल में भी आया हुआ है, और शायद सीएचएसएल में दो बार पूछा गया था, ठीक है, 2020 वाले में। तो अरीना का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, अखाड़ा, रणभूमि, ठीक है, और जो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे ए पर्सन हु इज ट्रेंड
टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको ट्रेंड किया गया हो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए, तो एंकर, कोरियोग्राफर, एस्ट्रोनॉट और चौफियर, तो ये तो होता है ड्राइवर, एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, आपका ये जो है करेक्ट हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड आपको और बताया था कॉस्मोनॉट, ठीक है, तो वो भी आपका करेक्ट हो सकता है, तो ध्यान देंगे उसमें, दोनों का मतलब सेम होता है। और कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर होता है, अभी हमने आपको बताया भी था, नृत्य निर्देशक होता है। और एंकर, ठीक है, एंकर भी आपको बता चुके हैं कि जो किसी चीज़ को होस्ट करने वाले होते हैं किसी प्रोग्राम को, उसको बोलते हैं एंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, उसको क्या बोलते हैं, तो ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, टी टोटलर बोलते हैं इसको, टी टोटलर, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजर आपको पता ही होगा सब, ये तो सब आसानी वर्ड है। परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट मतलब, और वेजिटेरियन, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, टी टोटलर बोलते हैं, टी टोटलर, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपसे ये जो है रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट है, ए हर्ड और फ्लोक ऑफ एनिमल्स बींग ड्राइवन इन ए बॉडी, जानवरों का झुंड जो है एक साथ जो है ट्रेवल करता है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह के लिए एक साथ चलता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हर्ड, ठीक है, हर्ड मतलब भी वही चीज़ होता है, एक मिनट, हर्ड मतलब भी वही चीज़ होता है, फ्लोक का मतलब भी वही चीज़ होता है, जानवरों का झुंड, ठीक है। और यहाँ पर एक नया जो है वर्ड बनेगा अब इसमें, क्राउड, क्राउड, क्राउड मतलब आपको पता ही होगा भीड़ होता है, जो लोगों की भीड़ होती है क्राउड बोलते हैं उसको। और क्लस्टर, क्लस्टर होता है, ये भी ग्रुप होता है वैसे, ग्रुप ऑफ हाउसेस, एग्जाम में आ चुका है क्लस्टर, ग्रुप ऑफ हाउसेस, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लस्टर, यानी घरों का समूह, छोटा समूह, या फिर कह सकते हो छोटा सा गांव, उसको बोलेंगे क्लस्टर। और थ्रोंग और ड्रोप, ठीक है, तो ड्रोप का मतलब होता है झुंड, और थ्रोंग का मतलब भी होता है भीड़, तो आपका जो है ड्रोप, ड्रोप आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर्ड, फ्लोक, ड्रोव, ये तीनों बिल्कुल एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें, ये आपका रीजनिंग में भी पूछ सकता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है, तो उसको भी यहाँ से आप पहचान सकते हैं, हर्ड, फ्लोक और ड्रोव को ध्यान रखें, ये सभी तीनों ग्रुप वाले वर्ड हैं, इनका मतलब ग्रुप होता है, और ये एनिमल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। थ्रोंग का मतलब भीड़ होता है, या फिर भीड़ बढ़ाना, भीड़ लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इट्सेल्फ, तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं ट्रायोलॉजी। और ट्रिपलेट, तीन चीज़ों का ग्रुप होता है उसको ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है, आपने ट्रिपलेट पढ़ा भी होगा, किसमें, राइट एंगल ट्रेंगल में, ठीक है, ट्रिपलेट बहुत सारे याद भी किए होंगे। और ट्रिम्बिर क्या होता है, ये तीन त्रिशासक, ठीक है, त्रिशासक बोलते हैं, तीन लोगों का जो शासन होता है उसको ट्रिम्बल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट, जिसकी कोई लिमिट ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। और इनर्मस, कोलोजल का मतलब सेम होता है, विशाल होता है। और ट्रिमेंडस, ट्रीमेंडस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, ठीक है, आश्चर्यजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी में चलेंगे अब, नेक्स्ट है आपका, वन हु स्टडीज द अकुल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, ऐसा पर्सन जो, अकुल्ट मतलब होता है गुप्त, ठीक है, गुप्त या फिर तंत्रमंत्र, तो ऐसा पर्सन जो गुप्त तरीके से नंबर्स का स्टडी करता है और उनके प्रभाव के मानव जीवन पर उनके प्रभाव को बताता है, ठीक है, ऐसा पर्सन जो गुप्त तरीके से या फिर तंत्र मंत्र तरीके से
नंबर्स का अध्ययन करता है, स्टडी करता है और मानव जीवन पर उसके प्रभाव के बारे में बताता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट। और यहाँ पर नंबर से आपको समझ जाना चाहिए कि न्यूमरोलॉजिस्ट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रोफेट, प्रोफेट होता है भविष्य बताने वाला। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर आपको बता चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजर जो ग्रहों से आपका भविष्य बताते हैं। ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। ठीक है, किसी लार्ज इंस्टीट्यूशन में, या फिर ठीक है, किसी लार्ज इंस्टीट्यूशन में जो जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्फर्मरी हैंगर डोरमिटरी, इन्फर्मरी बोलते हैं। इन्फर्मरी का मतलब भी होता है हॉस्पिटल। ठीक है, इन्फर्मरी का मतलब होता है हॉस्पिटल। और हॉस्टल, ये लिखा है हॉस्टल होता है। हैंगर, हैंगर मतलब होता है जहाँ पर हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है उसको हैंगर बोलते हैं। और इसी से संबंधित एक और वर्ड होता है, चलो आगे बताएंगे अभी। और डोरमिटरी, ठीक है, डोरमिटरी का मतलब होता है शयनशाला। ठीक, शयनशाला, अभी ये भी आएगा आगे आपका डोरमिटरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग कंस्टेलेशन की। ठीक है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो कंस्टेलेशन बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स को। और प्लैनेट्स आपको पता है, एस्ट्रोनॉमी और कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन मतलब होता है धर्म सभा। और एस्ट्रोनॉमी जो होता है, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, जो ऐसी कंट्री या ऐसा क्षेत्र जो खुद पर डिपेंडेंट हो या फिर सेल्फ गवर्निंग करता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अनार्की, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी बोलेंगे। ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, और अनार्की मतलब होता है अराजकता। डेमोक्रेसी, मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है राजा का शासन। मोनार्क मतलब होता है राजा, डेमोक्रेसी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्जेशन विदाउट देम नोविंग। ठीक है, ऐसा पर्सन जो दूसरों की बातों को छुप करके सुनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इवेस ड्रोपर। ठीक है, इवेस ड्रोपर मतलब दूसरों की बातें छुप करके सुनने वाला। और स्पाई मतलब होता है जासूस, और कुछ बताने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ए लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ऐसा स्थान जहाँ पर हेलीकॉप्टर को रखा जाता है, जहाज को खड़ा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था, उसको बोलते हैं हैंगर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। और एक और वर्ड होता है एच ए एन जी ई आर, वैसे ये वाला जो सब वर्ड है ये क्वेश्चन सीजीएल 2019 वाले में भी आया था, 2020 में भी आया है। और 2019 में क्या था, ये दो ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन में दिए गए थे, हैंगर और हैंगर, ये वाला हैंगर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये कपड़ा रखने जिसको, जिस पर हम लोग कपड़ा टांगते हैं वाला हैंगर होता है, केवल इसमें ई होता है स्पेलिंग में और इसमें ए होता है। ठीक है, और सेट का मतलब होता है बहना, जैसे सेट टीयर्स, आंसू बहना। और एयरपोर्ट, बार्न। ठीक, बार्न मतलब होता है खेत खलिहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया है। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, ऐसी जगह जहाँ पर कॉइन्स यानी सिक्के, मेडल वगैरह बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट हम लोग। ठीक है, मिंट बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मील वगैरह पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था, उसको बोलते हैं डोरमिटरी। डोरमिटरी मतलब शयनशाला, मतलब किसी स्थान पर, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में एक बड़ा सा बेडरूम। ठीक है, जहाँ बड़ा सा बेडरूम जहाँ पर लोग रह सकते हैं, कुछ लोगों के रहने के लिए जगह होती है, उसको बोलते हैं डोरमिटरी। ठीक है, हॉस्टल, कैश, क्रेश और असेंबली, असेंबली मतलब होता है सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, लोगों का सब, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको हमने करवा दिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं कारवां। ठीक है, दोबारा आया हुआ है, दो बार पूछा गया था आपकी बार। कारवां बोलते हैं लोगों का समूह जो अपने व्हीकल्स के साथ, एनिमल्स के साथ ट्रेवलिंग करता है, कारवां बोलते हैं। और सब आपको बता ही दिया है, ट्रूप मतलब भी होता है झुंड। ठीक है, सर्कस पता ही होगा, गैंग, गैंग का मतलब भी होता है झुंड, यानी कि चोरों, चोरों या डाकुओं का जो समूह होता है उसको गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करवाए सीजीएल 2020 में आए हुए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने गलत बताई हो सकता है, ठीक है, कि जल्दबाजी में कोई चीज़ हमने गलत बता दिया हो, अगर आपको लगता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, एक बार मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।